आप देख रहे हैं फास्ट समाचार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आदिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक मंगलवार को था। धर्मायोजन जारी था और इसी बीच नगर के झांसी रोड स्थित आईटीआई के सामने उत्कृष्ट स्कूल के छात्रावास निर्माण के लिए की जा रही खुदाई के दौरान भूगर्भ से आदिनाथ भगवान की सांगोपांग प्रतिमा प्राप्त हुई। जब खुदाई की जा रही थी उस दौरान जैन मंदिर के अन्य अवशेष भी वहां प्राप्त हुए। यहां और मूर्तियां प्राप्त हो सकती हैं। मूर्तियां मिलने का जैसे ही समाचार मिला जैन समाज के प्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए। अब खुदाई बहुत सावधानी के साथ की जाएगी जिससे प्रतिमाओं को कोई क्षति ना पहुंचे। मौके पर जो लोग थे उनसे जब बात की तो पता लगा कि वहां पर निश्चित ही पूर्व में कोई जैन मंदिर रहा होगा। ये इलाका एक समय छावनी कहलाता था और उस समय उस पूरे एरिया में जैन समाज की बहुत बसावट भी थी। ऐसे में संभव है कि इस स्थान पर जैन मंदिर रहा होगा। ठेकेदार राकेश जैन के अनुसार वहां मंदिर रहा होगा और प्राप्त अवशेषों में एक अवशेष पर जो पुरानी प्रशस्ति लिखी हुई है उस पर संवत 1220 लिखा हुआ है। इसके अनुसार प्रतिमा लगभग 856 साल पुरानी है। SDM अतेंद्र गुर्जर मौके पर पहुंचे और प्राप्त सभी प्रतिमाओं को अपनी कस्टडी में लेने के लिए कहा। जब कचरे की गंदी ट्रैक्टर ट्रॉली मौके पर आई तो जैन समाज के लोगों ने उसमें प्रतिमा रखने से मना किया। बाद में एक साफ ट्रैक्टर वहां पर भेजा गया। आदिनाथ भगवान की सांगोपांग प्रतिमा को जैन समाज ने अपनी सुरक्षा में रखने के लिए जिला प्रशासन से निवेदन किया लेकिन SDM उसे सरकारी कस्टडी में लेने की बात कहते रहे। आपका ऋषभ जैन, ये क्या मामला है यहाँ पे जो आज खुदाई के दौरान जो मूर्तियाँ हमारी जैन समाज की निकली हैं और यहाँ कोई प्राचीन हमारा वो रहा हुआ यहाँ मठ है या कोई मंदिर भी हो सकता है इसमें। अभी मूर्तियाँ और निकलना शेष है। अभी ऐसा लग रहा है कि मूर्तियाँ और निकलेंगी इसमें। अभी कितनी निकली हुई मूर्ति? अभी एक मूर्ति तो बिल्कुल आई गई है, बाकी और मूर्तियाँ हैं उसमें दबी हुई हैं। अभी दबी हुई हैं, दबी हैं मूर्तियाँ तो अंदर तक उसमें प्रशासन उसमें है कस्टडी में। अभी कितनी पुरानी हो सकती हैं मूर्तियाँ? कम से कम 800-900 वर्ष पुरानी। 800-900 वर्ष जी। क्या नाम है आपका? मैं पवन जैन। क्या नाम, क्या मामला है? ये आज सुबह खुदाई हो रही थी, हॉस्टल की बिल्डिंग बन रही है यहाँ पर छात्रावास की, तो उसके लिए JCB से खुदाई हो रही थी। उस दौरान ही मूर्तियाँ, जैन मूर्तियाँ निकली हैं। कितनी मूर्ति निकली हुई अभी? अभी तो एक मूर्ति तो अच्छी है, अच्छी कंडीशन में नहीं है और बाकी के अवशेष मिले हैं। अच्छा, बाकी मूर्ति होंगे। कितनी पुरानी हो सकती होंगी मूर्ति? ये लगभग 1220 का शिलालेख है। 1220 का शिलालेख है। अच्छा, लगभग 900 साल पुरानी, 800-900 साल पुरानी। तो कुछ मूर्ति जो निकली है जो अभी वो क्या ले गए अभी? नहीं, अभी प्रशासन ने अपने अधिपत में ले रखा है, कहीं पर रखी हुई है, जहाँ निकली हुई। क्या नाम है आपका? मनीष जी। ये यहाँ क्या मामला है यहाँ पर मूर्तियों का? ये कल शाम को जो है हमारे यहाँ जैन समाज का जो है आदिनाथ जयंती महोत्सव मनाया था, उसी के उपलक्ष्य में कल शाम को जो खुदाई चल रही थी तो खुदाई के दौरान जो है कुछ मूर्तियाँ जो यहाँ के जो JCB के जो मजदूर लगे हुए थे उनको दिखाई दी। जब उन्होंने ट्रैक्टर में पलटी, पहले तो वो पत्ता समझ रहे थे लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रैक्टर में पलटी तो उनको जो है जैन प्रतिमा दिखाई दी। क्योंकि यहाँ का जो ठेकेदार जो था वो जैन ही था, जिनेश जैन जैन ही थे, तो उसने सबसे पहले अपने जो ठेकेदार को बताया कि भाई साहब जो है यहाँ खुदाई में जो है कुछ जैन प्रतिमाएँ मिली हुई हैं। तो वो जैसे ही सुबह 8:30 यहाँ आते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो है 25-26 प्रतिमाएँ टोटल जो है हमको यहाँ प्राप्त हुई है। और इसमें जैसे कि शिलालेख सहित जो है प्रतिमा मिली हुई है तो उसमें जो है 1160 शताब्दी की जो है प्रतिमा है, जो 937 साल पुरानी जो है लगभग जो बताई हुई है। और वो मूल जो आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वो एक साबुत प्रतिमा मिली हुई है जो पूजनीय है। वो कहाँ है अभी? यहाँ तो है नहीं वर्तमान समय में। ये जो प्रतिमा जो आप देख रहे हैं इसमें जो आदिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है उनका जो मेन हमारे यहाँ जो है जैन प्रतिमाओं की पहचान उनके चिन्हों से होती है। प्रतिमाओं के नीचे उनका जो चिन्ह दिया रहता है उसमें आदिनाथ भगवान का चिन्ह बैल होता है और बैल का चिन्ह उसमें स्पष्ट दिखाई देना है तो वो आदिनाथ भगवान की मूल। तो यहाँ अभी पुरातत्व विभाग वाले या कोई व्यक्ति? पुरातत्व विभाग वाले तो कोई भी नहीं थे,
लेकिन बाकी जो है सुबह से जो है SDOP साहब थे, TI साहब थे, SP साहब स्वयं भी आए हुए थे। हमारे गुरु जी जो है वर्तमान समय में यहाँ विराजमान है, आचार्य विद्यासागर जी के परम से मुनि श्री 108 सुप्रत सागर जी महाराज यहाँ विराजमान थे। वो आहाचर्य से जैसे निपट के आ गए थे, वैसे ही समाज के माध्यम से उनको मैसेज मिला कि जैन प्रतिमाएँ खुदाई के दौरान मिली हुई है। वो आहाचर्य के तत्काल बाद जहाँ खुदाई के दौरान ये प्रतिमाएँ मिली हुई थी वहाँ वो स्वयं आए। उन्होंने वो सारी प्रतिमाओं का अवलोकन किया, पूरी प्रतिमाओं को उन्होंने देखा और देखने के बाद में उन्होंने ये डिसीजन समाज के लिए बताया कि ये प्रतिमा जो है जैन प्रतिमाएँ हैं और जैन प्रतिमा जो पूजनीय प्रतिमाएँ हैं। खंडित प्रतिमाओं को जो है अगर पुरातत्व विभाग वाले वो अपने हाथ ले जाते हैं तो बिल्कुल ले जाएं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो सांगोपांग प्रतिमा जिसको बोलते हैं हम, जो शुद्ध प्रतिमा होती है, जो पूजनीय प्रतिमा होती है, वो एक प्रतिमा है, उसको हम अपने मंदिर जी में ले जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसमें जो है हमें ले जाने से